हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी जूम। और मैं खुशबू, और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नोनी जूस के बारे में। नोनी जूस के बारे में मुझे भी तब पता चला जब मैंने एक इंटरव्यू में शिल्पा सेठी से इसके बारे में सुना। उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में कि ये जूस को वो डेली यूज करती है मॉर्निंग के टाइम में। और तो मैंने फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि आखिर क्या है ये जूस, और फिर मैंने भी इसे यूज करना स्टार्ट किया। नोनी तरह का फ्रूट होता है जिसका जूस बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये क्या होता है, चीन जापान में इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है। तो मैं भी इसे अभी रेगुलर यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफी टाइम से जो फेस में एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो हो जाती थी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती थी, और वेट मेरा बढ़ रहा था जिसे कि मैनेज करना था। तो इन सब के लिए नोनी जूस बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। साथ ही ये आपके कैंसर से लड़ने में भी आपके लिए ये अच्छा होता है, ये आपके से कैंसर को भी आपसे दूर रखता है। और इससे क्या होता है, आपके एनर्जी लेवल भी अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। तो और उन लेडीज के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है जिनको कि पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, तो नोनी जूस को लेने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और क्या होता है कि हार्मोन्स चेंज होने के कारण भी लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको कभी कभी फेशियल हेयर आ जाते हैं हार्मोन्स चेंज होने के कारण, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए भी नोनी जूस बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सा वाला नोनी जूस यूज करती हूं। मैं यूज करती हूं ये डीएक्सएन का नोनी जूस। हाँ, इसका एक रीजन ये है कि एक तो ये अवेलेबल हो जाता है इजिली, और साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी है, तो मैं ये वाला ही यूज करती हूं। और ये मैंने मंगवाया है, अभी मेरी बॉटल खत्म हो गई थी तो ये मैंने नई बॉटल मंगवाई है। तो मैंने सोचा इसका रिव्यू आपके लिए बना दूं, आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि पिछली वाली जो बॉटल थी उसका ये बॉक्स गुम हो गया था, तो अभी आया तो मैंने सोचा अभी बना दूं। तो ये इस तरह की बॉटल में आपको मिल जाएगा, और इसके साथ आपको एक मेजरिंग कैप मिलेगा जिसे कि आप मेजर कर सकते हैं कि आपको जिस जो इसमें बताया गया उस हिसाब से आप जूस ले सकते हैं। तो अगर इसके एमआरपी की बात करें तो ये 835 का है, यानी 835 रुपए का। और ये आप कि इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो 36 मंथ क्या है इसकी सेल्फ लाइफ, लेकिन जब इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं तो इसको हम लोग को फ्रिज में रखना होता है। और बात करते हैं कि इसे कैसे कंज्यूम किया जाए, तो जब भी एडल्ट्स इसे लें तो वो 30 ml नोनी जूस के साथ 60 ml वार्म वाटर मिक्स करें। और अच्छी बात यह है कि इसे बच्चे भी ले सकते हैं, तो बच्चों के लिए क्या है 50 ml वो ले, और साथ ही वो 30 ml वाटर के साथ इसे ले सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद रखने में। और इसके अगर टेस्ट की मैं बात करूं तो इसका टेस्ट जैसे हम लोग साफी पीते हैं तो बिल्कुल साफी से मिलता जुलता ही टेस्ट है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बकवास टेस्ट है कि आप इसे पी नहीं पाए। टेस्ट इसका वैसा है, आप आराम से इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और इसे क्या होता है कि सुबह खाली पेट ले तो ज्यादा अच्छा है, वैसे इसे इसमें लिखा हुआ है कि आप दिन में इसे एक बार ले सकते हैं कभी भी, लेकिन मैं तो इसे सुबह खाली पेट लेती हूँ जिससे कि इसके बेनिफिट होते हैं जो वेट लॉस के लिए भी अच्छे होते हैं, तो मैं इसलिए इसे सुबह खाली पेट कंज्यूम करती हूँ। तो बहुत ही इजी है इसे लेना भी। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये नोनी जूस काफी सूट किया और मेरे पे तो यह बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसे जल्दी से जल्दी लाइक करिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है, और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।